दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। जैसे हाल ही में EMRS का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट ग्रेड PGT इंग्लिश का, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम कट ऑफ की बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड ऑफ कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ PGT इंग्लिश के लिए है। पेपर का जो लेवल है उसको देखते हुए उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर और जो लोग पेपर दे चुके हैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये कट ऑफ हो सकता है PGT इंग्लिश का। बाकी तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो आंसर की आएगी उसके आधार पर तय होगा क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है। अपना इस वीडियो में सिर्फ अपन कोई फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, अपने एक आइडिया लगा रहे हैं कि ये कट ऑफ हो सकता है। जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात की जो PGT इंग्लिश का पेपर दे के आए, और फिर कहूँगा कि अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर कितने उपस्थित हुए और पेपर के लेवल के आधार पर। दोस्तों मेरे ख्याल से PGT इंग्लिश का कट ऑफ जो है वो ये रह सकता है, PGT इंग्लिश का कट ऑफ मेरे ख्याल से ये रह सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल वालों की। जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ मेरे ख्याल से 90 से 95 के बीच में रहने वाली है। अर्थात जिसके 90 से 95 में क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन सही हैं, मेरे ख्याल से वो सिलेक्ट हो सकता है। अगर हम ओबीसी की बात करें, यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो ये आंकड़ा हो सकता है 85 से 90 के बीच। 85 से 90 के बीच ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं मेरे ख्याल से। और अगर हम एससी की बात करें तो मेरे ख्याल से ये आंकड़ा 75 से 85 के बीच का है। 75 से 85 के बीच एससी का कोई कैंडिडेट है, अगर उसके पीजीटी में इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसका सिलेक्शन हो रहा है। और एसटी की बात करें हम, एसटी की, तो एसटी वालों का जो है मेरे ख्याल से 70 से 75 के बीच, अगर इनके क्वेश्चन सही हैं तो इनका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी दोस्तों ये एक पूर्वानुमान है और कुछ आंकड़ों के आधार पर एक निकाला गया निष्कर्ष है। बाकी अंतिम निर्णय जो है एकलव्य मॉडल की आंसर की आएगी जब स्कूल की, उसके आधार पर तय होगा, या उसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर तय होगा। आपको क्या लगता है, आपकी कट ऑफ के बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप भी अपने अपने व्यूज़ दें ताकि अपन को पता चले कि अपन लोग सही जा रहे थे या फिर कट ऑफ कुछ और हो सकती है। तो दोस्तों नमस्कार, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बताएं कि आपकी राय क्या हो सकती है।